नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। दरअसल 21 दिन का लॉकडाउन जो सरकार को अचानक से लगाना पड़ा, उससे हमारे समाज में एक तरह की निराशा घर करने लगी थी। लोग ऐसी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, इसलिए सबका मनोबल बनाए रखने के लिए थाली बजाना, ताली बजाना और दिया जलाने जैसी एक्टिविटीज जरूरी है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। जी हाँ, साइकेट्रिस्ट का कहना है कि जब भी देश और दुनिया पर इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो इकोनॉमी लॉस, ह्यूमन लॉस जैसी चीजों पर तो सभी का ध्यान जाता है, लेकिन इमोशनल लॉस का कोई नहीं देखता। ऐसे में जो लोग परेशानियों को झेल रहे हैं वो अकेलेपन में ही रह जाते हैं। लंबे वक्त तक अगर यही स्थिति रहे तो ये लोगों को मानसिक रूप से बीमार भी बना सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे देश की लीडरशिप ने समाज में आ रहे निराशा के भावों को वक्त रहते भाप लिया और अपने स्तर पर समाज को निराशा की गर्त से दूर करने का प्रयास किया। अचानक लगे लॉकडाउन भी एक जरूरी और सराहनीय कदम है। आखिरकार दिया जलाना, थाली बजाना और ताली बजाना जैसी चीजों से समाज को कैसे फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में सीनियर साइकेट्रिस्ट का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग घरों में बंद हैं और टीवी के साथ ही अलग अलग माध्यमों से उन तक लगातार महामारी, डेथ रेट और संक्रमण की खबरें पहुंच रही हैं। साथ ही लोग अपने व्यक्तिगत कामों के अटकलों और आर्थिक स्थिति को लेकर भी असमंजस में है कि पता नहीं कल भी हालात कैसे होंगे। इस तरह के मनोभावों को सकारात्मकता देने में मास एक्टिविटीज काफी अहम रहती है और इन एक्टिविटीज के पीछे यही मकसद है। देखिए, जब ताली और थाली बजाने की एक्टिविटी कराई गई थी तो अचानक से अकल्पनीय स्थितियों में फंसे लोगों में एक अलग उत्साह का संचार हुआ। ज्यादातर लोगों ने घर की बालकनी में खड़े होकर लंबे वक्त बाद अपने आसपास के लोगों को देखा। इससे नकारात्मक विचारों से घिरते हुए समाज को एक मानसिक सहयोग मिला कि इन परिस्थितियों में हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, तो अकेलेपन का भाव दूर हुआ। हमें इस बात को समझने का प्रयास करना होगा कि हमारी लीडरशिप ने हमारे समाज की ऐसी कौन सी दिक्कत को भाप लिया है कि वो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कहीं इमोशनल डिस्टेंसिंग न हो जाए। लोग एंग्जाइटी, लोनलीनेस और आर्थिक नुकसान के चलते डिप्रेशन में न आ जाए, इसलिए ये लोगों को भावनात्मक मजबूती देने का एक प्रयास मात्र है। ऐसे में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाते हुए अपनी और समाज की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश है इस तरह की एक्टिविटीज। आप अपने घर से आस पड़ोस में देखें, एक दूसरे को अपने साथ महसूस कर सके। एक दूसरे की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, बुरे वक्त में दूसरों के साथ खड़ा होना, इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की दिशा में लीडरशिप का ये एक प्रयास है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।